बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू मॉम किचन। आज मॉम्स किचन में बन रही है चिंगारी बोटी। बनाना बहुत आसान है और बहुत मजे की बनती है। उम्मीद करती हूँ सबकी ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी। और मैंने इस पर काफी दिन हो गए हैं कोई वीडियो अपलोड नहीं की। मेरे नेट का बहुत ज्यादा मसला था, इसलिए मैंने वीडियोस जरूर बनाई है पर अपलोड नहीं की। अब इंशाल्लाह मैं साथ साथ अपलोड करती जाऊंगी। चिंगारी, आए देखते हैं चिंगारी बोटी बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुझे जो है मटन की जरूरत है। मैंने मटन को जो है वो बॉइल कर लिया था। इसमें नमक और मैंने अदरक और लहसुन, खुश्क धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची डालकर मैंने इसको बॉइल करके रख लिया है। ठीक है जी। इसके बाद मुझे 1 कप इसमें चाहिए दही और 2 टेबलस्पून मुझे चाहिए इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट। ठीक है जी, ये हो गया। फिर इसमें मुझे चाहिए चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स मुझे चाहिए 1 टीस्पून। ठीक है। उसके बाद मुझे चाहिए केचप। केचप में डालूंगी 1 टेबलस्पून। ठीक है जी। उसके बाद मैंने लिया है शान का टिक्का मसाला, वो मैं डालूंगी इसमें। अच्छा, वो आप अपने ना टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं कि जैसे जिसको स्पाइसी पसंद है वो स्पाइसी कर लें जिसको। मैंने ये तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है ना बड़े वाले वो डाले हैं। ठीक है, मुझे अगर कम लगा तो मैं वो डाल लूंगी। उसके बाद मुझे हल्का सा येलो कलर फूड चाहिए। ये मैंने डाल लिया, वो डाल लिया। उसके बाद मुझे सिरका चाहिए। सिरका मैं डाल रही हूं 1 टेबलस्पून। ठीक है जी। ठीक है, अब इन सब चीजों को मैं मिक्स कर लूंगी उसमें। ठीक है जी, इस तरह से मिक्स करके और फिर ये सारी जो बोटियां हैं इसमें मैरिनेट करके रख लेंगे। ये बहुत मजे का बनता है, आप एक दफा जरूर जरूर ट्राई कीजिएगा। बिस्मिल्लाह। ठीक है, मैं इसमें से ना थोड़ी सी निकाल दूंगी जो मुझे जरूरत नहीं है। अच्छा, इसको आपने अच्छे से हाथों से जो है वो मिक्स करना है। ठीक है, और मिक्स करने के बाद आपने इसको 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है और फिर उसके बाद इसको हम फ्राई करेंगे और फिर अगला प्रोसीजर आपके साथ शेयर करेंगे। 3 से 4 घंटे के लिए अब मैं इसको फ्रिज में रख दूंगी और 3 से 4 घंटे के बाद हम आपसे मिलते हैं। अच्छा जी, ये देखिए, हमें 3 से 4 घंटे के लिए इसको फ्रिज में रखा था और अब हम इसको फ्राई करेंगे। निकाल लिया है और ये देखिए कितने अच्छा हमारा मैरिनेट हो चुका है। ठीक है जी, अब हमने ऑयल रख दिया है ऊपर गर्म होने के लिए और देखेंगे पहले हल्का सा डाल दें बिस्मिल्लाह। ये हमारा हो गया है ऑयल और इसी तरह खा के रोटे हमने जैसे पकोड़े बनाते हैं इसी तरह डाल देते हैं। ठीक है, हाथ से करने क्योंकि हाथ से डालना ज्यादा इजी लगता है और मैं हाथ से ज्यादा इजी डाली थी। ठीक है, अभी हम ये फ्राई हो जाएंगे तो फिर अच्छे से रखे हैं। अच्छा जी, ये देखते हैं मैंने चिंगारी बोटी को ना इसमें फिक्स कर दिया है फ्राई पैन में। ठीक है जी, इसमें जो है वो ज्यादा
है, चीज़ें पड़ रही थी ज़्यादा ख़राब होने का खतरा था ज़्यादा ऑयल में, तो मैंने इसमें इसको कर दिया हल्का सा ऑयल डाल के, बस उसको फ्राई कर लिया। ठीक है जी, अब ये रेडी होती है, बस रेडी होने पर आ चुकी है और मैं ये इसको बस डिश आउट करूँगी। ऑयल अपने हिसाब से डाल लेंगे। ठीक है जी, ये थोड़ा तिलका नहीं लग रहा है, ज़्यादा ऑयल में भी आपने फ्राई नहीं इनको करना, आप इनको कोयले का धुआं भी दे सकते हैं। ठीक है, अब ये रेडी है, मैं आपको दिखाऊँ करती हूँ। ये देखिए कितनी मज़े की और कितनी अच्छी लग रही है चिंगारी बोटी, और कितनी मज़े की तैयार हुई है। इसके साथ मैंने पुदीने की चटनी बनाई है और हरे धनिए की, और साथ केचप रखी है। आप जो भी पसंद करते हैं साथ सब कर सकते हैं, तो आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।